गुरु रंधावा चाहे टीवी हो, रेडियो हो या फिर हो इनका कोई इंटरव्यू यूट्यूब पर, हमेशा बड़े डिसेंट, शांत और बड़े ही काम पर्सनैलिटी के दिखाई दिए हैं। हर बार ऐसा लगता है कि यार आदमी ना इंट्रोवर्ट ही होगा, ज्यादा किसी से बोलना नहीं, लेकिन ये वाला रूप किसी ने नहीं देखा था, सबको इनसे अनजान थे। मैं बात कर रहा हूँ इनके पिछले कंसर्ट की, जहाँ पर इन्होंने लगभग इवेंट में आए हर एक फोटोग्राफर का दिल दुखाया और बाद में इन्होंने सॉरी भी बोल दी थी, लेकिन इससे पहले भाई काफी हंगामा खड़ा हो गया था। देखिए ये अरेंज कर रहे थे, आपको इधर आना है, आपको उधर जाना है, जिनको पैसे दिए हैं उनको देखने दो, फोटोग्राफर साहब इधर आओ, चलो चलो, और इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गए ये, और फोटोग्राफर्स भाई चुपचाप उधर आ गए। लेकिन बाद में जब इवेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा तो गुरु रंधावा ने रियलाइज किया कि नो वन इज क्लिकिंग फोटो, सब एक साथ बस खड़े हैं और आई कॉन्टेक्ट तक नहीं कर रहे थे यार गुरु रंधावा के साथ, और वहीं उनको समझ आ गया था कि भाई ये अब फंस गए हैं। भाई फोटोग्राफर्स इन लोगों के लिए तो ही आते हैं भाई, ऑल दो दे आर पेड, इनको कंपनी इनको पे करती है, लेकिन भाई इज्जत तो सबको चाहिए होती है। और उसके बाद में गुरु रंधावा ने स्टेज से ही जब खत्म करने वाले थे, सारे फोटोग्राफर से माफी भी मांगी थी कि भाई माफ कर दीजिए अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, दैट वॉज जस्ट फन, मैं बस लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। और ये आज के टाइम में हो भी बहुत ज़्यादा रहा है, लोग फन के चक्कर में या किसी को हंसाने के चक्कर में किसी को रुला देते हैं, दुखी कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। नया ही कॉमेडी का पैतरा आ गया है रोस्टिंग, किसी को बेइज्जत करो और फिर पब्लिक को हंसाओ। बाकी आजकल तो कंसर्ट में दंगे हो ही रहे हैं। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने बताया था कि एक शो में तो भाग गए, किसी शो में भाई उन पर बियर के कैन और बोतल फेंक के मारे गए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो भाई ये देखो साइड में ये वाली वीडियो भी आप देख लेना। एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई वीडियोस नई बातों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।